दोस्तों, आप जी टीवी पर प्रसारित सीरियल कुंडली भाग्य तो देख ही रहे होंगे, जिसमें हमें कई सितारे देखने को मिल रहे हैं जो अपनी एक्टिंग और डायलॉग डिलीवरी से दर्शकों को दीवाना बना रहे हैं। तो वहीं इस सीरियल में कुछ ऐसे भी सितारे हैं जिन्होंने इस सीरियल में आकर इतनी पॉपुलैरिटी पाई है कि आज पूरे देश में उनका बोलबाला है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कुंडली भाग्य सीरियल ने बनाया है इन सितारों का करियर। और आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको उन्हीं सितारों से रूबरू कराने वाले हैं जिन सितारों का कुंडली भाग्य सीरियल ने करियर बना दिया है। अगर जानना चाहते हैं आप भी तो जुड़े रहिए हमारे साथ के अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। नंबर एक, श्रद्धा आर्या। सबसे पहले बात करते हैं जी टीवी के सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता का किरदार निभाते नजर आ रही अभिनेत्री श्रद्धा आर्या की। बता दें कि श्रद्धा आर्या ने साल 2013 से साल 2014 तक तुम्हारी पाखी में पाखी का किरदार निभाया था। और जब से श्रद्धा आर्या कहीं नजर नहीं आ रही थी, लोग इन्हें भूलते जा रहे थे, लेकिन जब से ये सीरियल कुंडली भाग्य में प्रीता का किरदार निभाती नजर आई है, तब से तो इनके करियर में चार चांद लग गए, क्योंकि आज पूरा देश इन्हें जानता है। इसलिए कुंडली भाग्य सीरियल ने इनका करियर बना दिया है। नंबर दो, धीरज धूपर। दूसरे नंबर पर नाम शुमार है सीरियल कुंडली भाग्य में करण लूथरा का किरदार निभाते नजर आए अभिनेता धीरज धूपर। इन्हें लास्ट टाइम सीरियल ससुराल सिमर का सीरियल में प्रेम का किरदार निभाते देखा गया था, पर इन्हें इस सीरियल से इतनी खास पहचान नहीं मिली जितनी कि अब कुंडली भाग्य सीरियल में करण लूथरा का किरदार निभाकर मिल चुकी है। और इनका करियर पूरी तरह से बन चुका है और अब ये सीरियल शेर दिल शेर गिल में नजर आ रहे हैं। नंबर तीन, मनीत जौरा। अब बात करते हैं सीरियल में ऋषभ लूथरा का किरदार निभाते नजर आए अभिनेता मनीत जौरा की, जिनका इस सीरियल में आकर पूरा करियर ही बदल गया, क्योंकि जब से मनीत जौरा कुंडली भाग्य सीरियल में ऋषभ लूथरा का किरदार निभाते नजर आए हैं, तब से ही आज इन्हें हर कोई जानता है। और यही वजह है कि आज ये नागिन 6 में भी प्रोफेसर जीत का किरदार निभाते नजर आ चुके हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा सिर्फ और सिर्फ कुंडली भाग्य सीरियल से ही बदली है। नंबर चार, अंजुम फकी। अब बात करते हैं सीरियल में सृष्टि का किरदार निभाती नजर आ रही अभिनेत्री अंजुम फकी का, जो इससे पहले सीरियल तेरे शहर में रचिता का किरदार निभाती नजर आई थी, जहां इन्हें इतनी कुछ खास पहचान नहीं मिली क्योंकि उसमें इनका कैमियो रोल था। वो जब से ये कुंडली भाग्य सीरियल में नजर आई हैं, तब से तो इनके करियर में चार चांद लग गए, जहां इन्हें एक नटखट सृष्टि के किरदार में आज सभी लोग अपना खूब प्यार दे रहे हैं। नंबर पांच, रूही चतुर्वेदी। अब बात करते हैं सीरियल में शर्लिन का किरदार निभाती नजर आ रही अभिनेत्री रूही चतुर्वेदी की। बता दें कि इससे पहले ये लव यू टर्न में नजर आई थी, पर जब से ये कुंडली भाग्य सीरियल में नेगेटिव किरदार निभाती नजर आई है, तब से तो इनके करियर में चार चांद लग गए, क्योंकि इनके इस नेगेटिव किरदार को देखते हुए इनके पास और भी कई सीरियल्स के ऑफर आ रहे हैं। नंबर छह, शक्ति अरोड़ा। लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम शुमार है सीरियल में अर्जुन का किरदार निभाते नजर आ रहे अभिनेता शक्ति अरोड़ा का। हमने सीरियल बदलते रिश्तों का में भी देखा था, वहाँ इनकी जबरदस्त एक्टिंग थी, लेकिन जब से दर्शकों ने इन्हें अर्जुन के किरदार में देखा है, जब से तो दर्शक इन्हें काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ शक्ति अरोड़ा के ही डिमांड है और उनके करियर में तो चार चांद ही लग गए हैं। वेल, दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि कुंडली भाग्य सीरियल में आकर इन सितारों का करियर बदल चुका है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।